आप सब लोगों को मालूम है कि बिहार के अंदर 13 जिले बाढ़ से प्रभावित है और लगभग 90 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 3 जिले तो बहुत बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है, दरभंगा, मधुबनी और ये अररिया। तो यानी ये जो हमारे मधुबनी, दरभंगा, अररिया और बाकी भी जो जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो इन बाढ़ से प्रभावित जिलों के अंदर लोन के रीस्ट्रक्चरिंग की क्या व्यवस्था हो सकती है। और मैं सिद्धार्थ जी से आग्रह करूंगा कि अगले एक सप्ताह के भीतर ये बाढ़ प्रभावित जिलों के बारे में, क्योंकि बिहार सरकार ने जो जिन जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया पंचायतों को, तो उसके अंदर बैंकों की क्या योजना है, अगर कोई आपदा प्रभावित जिला है, बाढ़ प्रभावित जिला है, तो बैंक उसके अंदर ओवरड्राफ्ट कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, जो लोन के रीस्ट्रक्चरिंग है उसकी क्या व्यवस्था है। तो अगर एक सप्ताह के अंदर बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उसके बारे में और बैंक क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी एक इसका पूरी चर्चा होनी चाहिए, उसका पूरा विचार होना चाहिए और हम बाढ़ प्रभावित लोगों को किस तरह की मदद कर सकते हैं बैंकिंग के माध्यम से।